The Karnataka High Court has dismissed Chief Minister Siddaramaiah's petition challenging the governor's sanction for his prosecution in the alleged MUDA scam. Union Minister Prahlad Joshi described the court's decision as a slap on the Congress government and CM Siddaramaiah, asserting that it has addressed all pertinent questions regarding the case. Joshi called for Siddaramaiah to resign and for an impartial investigation to be conducted by the CBI, reiterating that the BJP has no intention of toppling the Karnataka government. झटका के अलावा और क्या हो सकता है? झटका नहीं है ये तो, इट इज ए स्लैप ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड मिस्टर सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लीगल और मॉरल, सबको हाईकोर्ट ने उत्तर दे दिया है। सिद्धरामैया तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सिद्धरामैया के खिलाफ जो कुछ भी सैंक्शन दिया गया है तो एक निष्पक्षपात इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके लिए सिद्धरामैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर, गवर्नर के रोल को लेकर के कांग्रेस पार्टी करेगी, गवर्नर के माध्यम से बीजेपी टॉपल करना चाह रही है सर? नहीं ना, हम तो टॉपल करना ही नहीं चाहते। आप तो किसी को नेता को चुन लो ना, हम कहां आपको मना कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को और सारे प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी सरकार का टॉपल करने की कोई इच्छा नहीं है। 5 वर्ष आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आप ठीक तरह से सरकार चलाओ, भ्रष्टाचार में मत पड़ो। तो बड़ा झटका है, क्या कहना है? झटका के अलावा और क्या हो सकता है? झटका नहीं है ये तो, इट इज ए स्लैप ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड मिस्टर सिद्धरामैया।